की तरह इस बार भी गप्पा ने नाना पाटेकर के घर आ गए हैं और मेरे साथ वो हैं। हर साल की तरह इस साल भी वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जूम से बात करने के लिए। थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया। नाना ये बहुत सालों से ट्रेंड आपका चल आ रहा है और आप हमेशा से बप्पा को बहुत प्यार से श्रद्धा के साथ घर लाते हैं, इस साल भी लाए हैं, क्या फीलिंग है? मुझे कुछ नहीं, इस बहाने तुम लोग आते रहते हो, बरस भर तो मिलते नहीं लोग, इस बहाने मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है। और क्या, पूरे 10 दिन आप यहीं रहते हैं और क्या क्या मतलब होता है यहाँ पर, आप किस तरह से बिजी रखते हैं अपने आप को? नहीं नहीं कुछ नहीं, वही वो फूल लगाने हैं और आज लगाए हुए फूल सुबह निकलता है मतलब निकालते हैं ये लोग, मैं वापस आता हूँ वापस लगाता हूँ, तो 10 दिन चलते रहते, 8 घंटे लगते हैं फूल लगाने में, तो वो वैसे ही दिन चला जाता है, फिर थक जाते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। वैसे ये आज आपका लुक मुझे बेहद पसंद आया। ये अभी क्या है, कोल्हापुर से हमारे कोई दोस्त आए थे, उन्होंने वो सम्मान करना मतलब वो ये साफा बांधना होता है, तो उन्होंने लाया, तो उन्होंने कहा नाना ये पहनो आप, तो मैं अच्छी तरह बांध सकता हूँ, ये मैंने बांधा हुआ है, तो मैं मुझे आई कैन वेयर इट, बांधना एक कला है, वो मैंने सीख ली है, वो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच नाम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, जूम मुंबई।